माई चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। और आज है खतरनाक वाला दिन, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा काम है और आज भी कपड़े धुलने हैं। एंड मैं कर रही थी क्लीनिंग, तो क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, तो मैं अपने रूम का दिखा देती हूँ, बाकी का तो हो ही है। सो आज पोछा वगैरह लगाना है, कपड़े वगैरह धोने हैं। संडे को कुछ है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि कन्फर्म नहीं है अभी। सो सफाई इसके लिए ही चली हुई है। तो चलो पहले फटाक से अपने रूम को क्लीनिंग करते हैं, एंड बेडशीट वगैरह उठानी है बिकॉज़ ये धोनी है। तो यहाँ पे मैं पिलो के कवर ही निकाल देती हूँ। तो चलो फिर, मुझे याद आ गया कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलो फिर ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और बनी रहिए लास्ट तक बिकॉज ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी जो है कपड़े धो के आ गई हूँ। अभी देखो टब उठाया है सर पे, कपड़ों से भरा हुआ है। सोचा कि आपको बता ही दूँ, वरना अगर फिर काम करती रही तो फिर बताने का नहीं होता। और यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं शाम के धुले हुए। और चलो पहले मैं उसको उतार लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। भूत बन गई। आज तो फेस वॉश भी नहीं किया हुआ है, और चाय मैंने पी नहीं है सुबह से, और हालत ख़राब है काम कर करके। तो यहाँ पे मैंने टब भी रख दिया है कपड़ों का, इनको डालेंगे सूखने। लेकिन उससे पहले जो है छत पे झाड़ू लगाना है, और बाकी पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़े इनको डालना है मुझे सूखने, एंड क्लीनिंग मेरी हो ही चुकी है, और पोछा वगैरह भी मैंने लगा ही लिया था, और ये कपड़े भी रखे हैं इनको भी सूखने डालना है, टॉवल वगैरह ही हैं ये। और सारी ही क्लीनिंग मेरी कर ली है, मतलब फ्लोर की, और ये सारे रूम की हो गई है ऑलमोस्ट। तो और बाकी यूं ही बगारे पड़ी हुई है, इनको मैं अच्छे से सेट करूँगी बाद में जब बेडशीट लगाएंगे, क्योंकि हमने सारे रूम की बेडशीट वगैरह धो ली। और अभी मुझे छत पे और आंगन में झाड़ू लगाने को रह गया है, और बाकी क्लीनिंग तो मेरी हो ही गई है। ये देखो सिलेंडर भरवाने गए थे आज, क्लोल हो गया। गैस वाले आए तो थे NH पे, लेकिन जब तक हम गए तब तक फिर ख़त्म हो चुका था। और मैंने ये वाला रैक जो है, जो यहाँ पे था, वो लगा दिया है वहाँ पे, और वहाँ पे बर्तन धो के रखने को भी हो जाएगा। और यहाँ पे रख दिए हैं पानी के बर्तन, और हीटर भी है साथ में। फिर चलो पहले पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। प्यास तो बहुत पहले से लगी थी, लेकिन पी नहीं पा रही हूँ पानी, मतलब कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो गई थी इसीलिए। तो चलो पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो है झाड़ू ले आती हूँ, और छत पे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आंगन में लगा लूँगी, क्योंकि कपड़े पहले सूखने डालने हैं, वरना धूप चली जाएगी तब तक। माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो चलो झाड़ू ले आते हैं। इतना बड़ा गिलास ख़त्म कर दूँगी मैं, वैसे पानी पीती नहीं हूँ, पीती हूँ तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और मेन गेट का जो हमारा लॉक है वो लग नहीं रहा है, तो पिछले दरवाजे पे लॉक किया हुआ था जब गई थी, तो यहाँ पे ऐसे ही लॉक किया था, बस ताला नहीं आ रहा है उस पर, पता नहीं क्या हो गया। तो चलो झाड़ू लगा लेते हैं फर्स्ट में, उसके बाद बात करती हूँ। Thank you.
सो गाइस, सारे कपड़े मैंने सूखने डाल दिए और छत भी साफ़ हो गई। देखो सारा कूड़ा कवाड़ा यहाँ से उठा के सारा ही साफ़ कर दिया है और कपड़े वगैरह भी डाल दिए। और ये देखे सारे कपड़े डाल दिए हैं और मिर्चें भी डाल दी है सूखने। देन कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, थोड़े थोड़े करके सारे ही डाल दिए हैं जहाँ जहाँ आए, जस्ट बिकॉज शाम को भी हमने धुले थे कपड़े और सुबह भी धुले थे, मतलब अभी धुल के आए हैं। तो बस यही है और धुल दिए हैं सारे। तो कल है, चलो बता ही देती हूँ, कल है लक्कड़ पुड़ाई, मतलब दादाजी का चवरखा आने वाला है। बहुत जल्दी ही आएगा वो भी। उसके लिए ना जैसे खाना वगैरह बनाया जाता है तो उसके लिए लकड़ी वगैरह काटी जाती है, तो वही चीज़ कल है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। सो कल वो चीज़ है। एंड सफाई वगैरह आज ही कर ली क्योंकि कपड़े वगैरह कल नहीं धो सकते, इसीलिए आज ही पोछा वगैरह भी लगा लिया। कल बहुत ज़्यादा काम होगा, मतलब खाना वगैरह बहुत ज़्यादा बनेगा। सो 20-25 नहीं ज़्यादा होगा, 30-35 जन का या 40-50 जन का खाना बनेगा ही कल। सो पता ही नहीं शूट कर पाऊँगी कल का ब्लॉग, बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, पर छोटी छोटी क्लिप मैं ज़रूर से शेयर करूँगी आपके साथ, छोटी छोटी क्लिप लेके, पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। सो चलो फिर चलते हैं नीचे। तो अभी नीचे जा रही हूँ, देन अपने रूम की बेडशीट और मम्मा के रूम की बेडशीट वगैरह बिछानी है, तो वो वाला काम कर लेते हैं। और मैं नहाई नहीं हूँ अभी, तो मुझे आज हेयर वॉश भी करना है क्योंकि कल हैंड वॉश वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो थोड़े रेस्ट करते हैं, धूप में बैठते हैं, फिर खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं हेयर वॉश वगैरह, ठीक है। दो चादरें निकाली है मैंने, मतलब डिज़ाइन सेम है, कलर अलग अलग है, तो इनको बिछाएंगे हम अभी। ये ठंडी है ना, फिर अच्छी नहीं लगती है आजकल, तो अभी बिछा देंगे, जब वो सूख जाएंगी मोटे वाली तो उनको बिछा देंगे। फिर लगता है कि एक जोड़ी और लेनी पड़ेगी मोटी चादरों की, तो वही है, ये बिछा लेंगे हम मम्मा के कमरे में और ये लाइट वाली बिछा लेंगे अपने रूम में। और रूम की हालत कुछ ऐसी है, बेड पे ही मैंने चेयर लगा दी थी क्योंकि नीचे जो है फर्श पे गीला था और पोछा वगैरह लगाया था, तो मैंने यहीं पे रख दी थी इसको, कपड़े वगैरह जो धुले थे। और करते हैं अभी रूम का डेकोरेट, पहले मम्मी और के रूम में करके आती हूँ, उसके बाद अपने रूम का दिखाती हूँ आपको।
गाइस ऑलमोस्ट क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। मैं अपने रूम की दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मा दूसरे रूम में है। तो ये देखिए मेरी बेडशीट वगैरह भी बिछ चुकी है, कपड़े भी धह लग चुके हैं एंड सब क्लीनिंग हो ही चुकी है। वैसे तो देखिए तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, देखते हैं अभी कौन सा काम रह गया है पेंडिंग, वो काम भी कर लेते हैं। तो गाइस अंदर के काम करके आ गई थी मैं बाहर, और आंगन में थोड़ा सा गंद डाल दिया था आरुष ने, उसी को समेट रही थी और साथ में धोलूंगी बर्तन में थोड़ी देर बाद। लेकिन आंगन का गंद जो है समेट रही थी और देख रही थी कौन सा बघार कहाँ पड़ा हुआ है, उसको समेट रही थी। तो चलो दिखाती हूँ आपको आगे। तो गाइस मम्मी चली गई है बुनती सीखने मासी के घर, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा काम होगा तो लगेगा नहीं टाइम ऑब्वियसली। सो चलो फिर जो काम बच गया है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। एंड आरुष भी रो रहा था कि मेरे को भी दादी जी के साथ जाना है, लेकिन उसके दादा भी घर में ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पापा ले गए हैं उसको घुमाने के लिए थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और मैंने पानी लगाया हुआ है नहाने के लिए, फिर जब तक वो आएगा तब तक मेरे बर्तन भी हो जाएंगे और फिर मैं और आरुष नहा लेंगे बाद में। तो चलो फिर मिलती हूँ काम करते टाइम। सो गाइस यहाँ पे आ गई थी मैं बर्तन धोने, और बर्तन धोने के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन थे क्योंकि शाम के भी थे और सुबह के भी थे, जो खाना वगैरह बनाया चाय वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो उन्हीं को साफ़ कर रही थी। लेकिन मैंने बर्तन धोने से पहले जो है एक बर्तन में जो है चावल रख लिए थे जो मैं रोज़ ही पक्षियों को दे देती हूँ, या तो मैं छत पे देती हूँ या तो मैं जब बर्तन धो रही होती हूँ तो एक साइड में पत्थर रखा हुआ है चपटा सा है उसी पे रख देती हूँ, और कौवे वगैरह या चिड़िया वगैरह खा लेती है वहाँ पे गिलहरी वगैरह आके, सो अच्छा लगता है। और रोज़ ही दे देती हूँ मैं बर्तन धोते वक्त, सो वही चीज़ें दे दी और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे फटाक से और स्पीड में किए हैं क्योंकि फास्ट कर रखी है मैंने वीडियो, सो वरना आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लगती है वीडियो तो इसीलिए, तो फटाक से मैंने बर्तन भी धो लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको कि आज का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था कि नहाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था और मैं सबसे लास्ट में नहाई हूँ। तो चलो फिर दिखाती हूँ आपको कि अभी क्या क्या करना है। और बर्तन वगैरह धो के मैंने जो है चूल्हे का जो बर्तन होता है पानी गर्म करने का वो भी धुल दिया है, अभी चूल्हा वगैरह भी लीपना है, दिखाती हूँ आपको मैं अभी। सो गाइस बर्तन वगैरह मेरे क्लीन हो गए और मैंने इनको रख दिया है यहाँ पे धूप में, हल्की हल्की धूप है, बादल आ गए हैं वैसे तो, ये देख लो वाओ एक कौवा भैया ना बड़े खतरनाक स्टाइल से उड़े, ये कहाँ बैठे हुए दिख ही नहीं रहे, वहाँ है या। सो देख लो बादल भी आ चुके हैं और सूरज का ये हाल है। सो अभी करनी थी चूल्हे की सफाई और मेरे पास गोबर नहीं है यहाँ पे, तो सोच रही हूँ वो सिर्फ चूल्हा ही लीप देती हूँ और साइड में जो है गोबर ला के ही लिपाई करूँगी। अगर साइड में मिट्टी से लिपाई की ना तो अजीब सी चिकनाहट सी हो जाती है, तो गोबर से ही लिपाई करनी पड़ती है साइड में जहाँ पे बैठना होता है। सो अभी चूल्हे को ही अच्छे कर लेते हैं चकाचक वाइट सा, और बस पानी वाला बर्तन तो मैंने धो ही लिया है, ये देखो चमक गया है एकदम चकाचक हो गया है। सो चलो फिर वहाँ पे बर्तन धोने वाला वो जो है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से झाड़ू लगा के पानी फेंक के, बस ऑलमोस्ट सारे काम हो गया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, चलो जो मैंने फ्लावर लगाया था ना वो देखो कितना बड़ा हो गया और कितना प्यारा हो गया है, ये देखो भंवरे भी आके बैठ के चूस रहे हैं इसका रस, और आरुष ने ना कुछ पत्ते फेंक दिए नहीं। चूल्हे की लिपाई मेरी हो चुकी है देख लीजिए आप, कर दिया है मैंने इसका थोड़ा सा ढंग, तो चलो अभी नहा लेते हैं उसके बाद बात करती हूँ। सो गाइज अभी मैं नहा चुकी हूँ, देन आरुष को भी नहला ही लिया है और यहाँ पे अपने साथ साथ में कपड़े भी वॉश कर लिए हैं मैंने, और अभी जा रही हूँ छत पे इनको सूखने डालने। और मैंने सोचा कि वीडियो का एंड भी कर ही देती